हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो मैंने ब्लू हेवन से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे तो ये सारे न्यू लॉन्चेस हैं ब्लू हेवन के मैंने इनको पर्पल से ऑर्डर किया तो मुझे फ्लैट फोर्टी परसेंट ऑफ पे मिले हैं ये उनका आउट ऑफ बॉक्स है ये सारे पूरे इसी तरह के आउट ऑफ बॉक्स में आते हैं पिंक कलर के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है मेरे पास ये प्रोडक्ट है पहला है ब्लू हेवन लिप एंड चिक चन विद एवोकाडो ऑयल मैंगो एंड बटर किस एंड ब्लश स्टिक दिस इज़ द ब्लश स्टिक और मेरे पास जो शेड है वो है रोस्टेड बेरी और इसकी एम आर पी टू फिफ्टी रुपीज़ है और ये बहुत ही नेचुरल शेड है ये बहुत ही नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा आपके चीक्स को ये इसको आप एज़ ए लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो लिप्स पे भी ये कलर बहुत अच्छा लगता है और ये उसका स्वैच है ये बहुत प्यारा शेड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट और ये लिप बाम है हाइड्रेटिंग लिप बाम और मेरे पास जो शेड है वो है प्लम केस ये लिप बाम मुझे बहुत अच्छा लगा सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे सारे प्रोडक्ट्स ब्लू हेवन के बहुत अच्छे हैं ये इसमें ये हार्ट शेप का जेली जैसा कुछ बना हुआ है ये भी बहुत हाइड्रेटिंग है आपके लिप्स को टेंट प्रोवाइड करेगा बहुत प्यारा शेड है ये इसका स्वैच है। इस ये इसका स्वेच है दिस इज़ द शेड प्लम केस ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी एम आर पी टू हंड्रेड है यस टू हंड्रेड है और ये ब्लू हेवन लश एंड जूसी लिप प्लम्पिंग वॉन विद एवोकाडो ऑयल विटामिन ई और इसमें मेरे पास जो शेड है वो है रेट्रो ग्रूव ये भी बहुत प्यार ये बहुत ही ग्लॉसी है इसमें लिटिल बिट शीन है जो कि बहुत अच्छी लगती है आपके लिप्स पे ये शेड है ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ये बहुत अच्छा लगता है इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ब्लू एम के सारे ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे इसकी एम आर पी थ्री हंड्रेड है और इन दोनों की पैकेजिंग सेम है ये मेरे पास जो है प्रो जेल है और ये मेरे पास जो शेड है वो है द शेड ग्रे इसकी एम आर पी टू फिफ्टी रुपीज़ है ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छे से आपके ब्राउज़ को कलर प्रोवाइड करेगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ तो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये आप अपने आईब्राउज पे अप्लाई करोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है ये निकलता भी नहीं है तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा और ये लिप टेंट है दिस इज़ लिप टेंट इन द शेड, शेड हार्ड दिस इज इन द हार्ड ब्रेक रेड ये बहुत अच्छा शेड है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिप टिंट है ये मैंने इसको ऑलरेडी मैं इसको इसका दूसरा शेड यूज़ कर चुकी हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस वजह से मैंने एक और शेड मंगवा लिया है इसकी एम आर पी टू फिफ्टी है ये मुझे ब्लू हेवन का सबसे अच्छा कलेक्शन लगा है जो मैंने न्यू लॉन्च किया ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैंने इनको ऑफ पे ख़रीदा तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गए थे इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये प्रोडक्ट्स मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ तो ये प्रोडक्ट है ये इसका कलर है ये हार्ड ब्रेक और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है इसको आप बिल्ड भी कर सकते हो अगर ये आपको नेचुरल कलर भी प्रोवाइड करेगा अगर आप इसको डार्क डार्क शेड आपको चाहिए तो आप इसको एक दो बार अप्लाई करोगे तो काफ़ी डार्क भी हो जाता है तो ये ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स ही काफ़ी अच्छे हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू